चल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम हैं आज सीपी में और INX सीपी में, और यहाँ देखेंगे हम यही बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ देखने के बाद आपको बताते हैं कि मूवी बैड है या फिर गुड है। एक्चुअली में बैड है मनुष। तो मूवी का रिव्यू कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तो आपको विक्की कौशल और तृप्ति का बस रोमांस देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा स्लो रखा गया है, सेकेंड हाफ में थोड़ी इंटरटेनमेंट आती है जबकि पता चलता है कि बच्चा जो है इन दोनों का है, तो वहां से इंटरटेनमेंट चालू होती है। उसके बाद लास्ट के कुछ मिनट में इमोशन भी दिखाया गया है। एक स्टोरी है कि बेटा अपनी माँ के लिए ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो इस कारण से बीवी से थोड़ा दूर हो जाता है या उसे वक्त नहीं देता है, ऐसा दर्शाया गया है, जिस कारण से डाइवोर्स भी होती है इसमें। ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद नहीं भी बनाते या नहीं दिखाते तो कुछ अलग वे में दिखा सकते थे, पता नहीं ये क्यों डाला गया है। उसके बाद तृप्ति मूव ऑन करने के लिए जाती है तो एमी से मिलती है, वहां मिलती है, उनके साथ कुछ होता है तो फिर उनसे इनका एक और बेबी हो जाता है। ट्रेलर और टीजर से आपको देख के पता चल ही गया होगा कि इसमें वही ये दो बच्चे होते हैं इनके, इन दोनों की कहानी है। विक्की कौशल की कैरेक्टर जो है वो काफी ही अच्छी है और वो फन लविंग बंदा है, दिल्ली का बंदा दिखाया गया है। उनकी कैरेक्टर जो है या उनकी एक्टिंग जो है वो एमी पे थोड़ी सी भारी पड़ी है। एमी के कैरेक्टर को थोड़ा सा सीधा साधा रखा गया है और स्लो रखा गया है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी जो है वो अच्छे हैं। दो कैमियो देखने को मिलेगा आपको इसमें, अनन्या पांडे का और नेहा शर्मा का। सारे फोटेजेस और क्लिप्स लगा नहीं सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाती है इस कारण से, लेकिन साइड में जो भी चल रहा है थोड़ा बहुत काट काट के वो आप देखें। वन टाइम वॉच मूवी है, एक बार जाए पर बड़े बुजुर्ग के साथ थोड़ा सा अवॉइड करें जाने का, क्योंकि कुछ सीन भी वैसे हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी भी वैसे ही है जो कि अलग सोच और लेवल पे ले जाती है लोगों को। इसके अलावा आप अगर 300 की टिकट मिल रही है तो 300 के अंदर की मूवी देखें, ज्यादा पैसा खर्च करके देखने वाली ये मूवी है नहीं, क्योंकि एक या दो महीने बाद ये अमेजॉन प्राइम पे ऑलरेडी आ जाएगी। 5-6 गाने हैं मूवी में, तौबा तौबा जो है वो मूवी के एंड में गाना आता है। ओवरऑल अगर आप वीकेंड पे या वीकडे में बोर हो रहे हैं तो जाएं और ये मूवी देखें। 2-2.5 घंटे के लिए आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा पर थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये था ओवरऑल मूवी का रिव्यू, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।